हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की महामारी से देश को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिन रात जुटे हुए हैं। देखिए, ये देवदूत है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद हैं, क्योंकि एक ही जगह खुली हुई है, वो है हॉस्पिटल, और देव वहीं पर बसे हुए हैं डॉक्टर के रूप में। लेकिन इन्हीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा भी है। और ऐसा नहीं है विकास की केवल हमारे देश में हो रहा है, दुनिया भर में आप देखिए, इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो नर्सिंग स्टाफ हुए हैं इस वायरस से। मुंबई में एक तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही उभर कर आई है, देखिए। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल के 40 नर्स और 3 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से पूरा देश चिंतित है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुंबई का वॉकहार्ट हॉस्पिटल अब इसकी चपेट में आया हुआ है। बीएमसी द्वारा आज इस अस्पताल को बंद किया गया है। जानकारी मिली है कि अस्पताल में काम करने वाले 40 नर्सेज और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते अब अस्पताल को बीएमसी द्वारा सील किया गया है। इसकी स्वयं जानकारी केरला के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रमेश चिनीतला ने दी है। अस्पताल में करीब 200 नर्स काम करती हैं। इसको लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट मुहैया कराने और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। 150 स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल के अंदर ही आइसोलेशन में रखा गया है। अस्पताल में काम करने वाले 270 कर्मचारियों और मरीजों के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। बीएमसी ने एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी अस्पताल में फैले इस संक्रमण के मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 868 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, संसाधनों की देश में बहुत कमी है, और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित अगर कोई होगा तो हम आप होंगे, और उसके बाद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, जो हमारी आपकी सेवा में दिन रात लगा है। हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कितना जोखिम उठा रहे हैं इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। बिल्कुल, और एक खास तौर पर एक आर्टिकल मैंने पिछले कुछ दिनों विकास पढ़ा था, वो आर्टिकल इटली के नर्सिंग स्टाफ पर था, और ये समझना और जानना देखिए बहुत जरूरी है कि किस साइकोलॉजी में ये नर्सिंग स्टाफ, ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त इन लोगों के मन में चलता क्या है? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इन डॉक्टर्स और नर्सेस के मन में चलता क्या है। ये सुनिए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के 2 बड़े डॉक्टर्स को, इनका नाम है अमनदीप और डॉक्टर राजीव, क्या कहा है उन्होंने, समझिए। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो है ही, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इसके अलावा हमारी खुद की लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट आ रखा है। जैसे कि घर वाले काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती रहती है कि ठीक है तू, ठीक है, मास्क क्यों नहीं पहनता, मास्क पहना कर। इस तरीके से मेरे क्या चार लोग हैं हम लोग फैमिली में, मेरी सिस्टर अभी स्टक हैं चंडीगढ़ में, वो वहाँ पे पीजी में है क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, तो उसकी चिंता रहती है। मेरे फादर मदर जोधपुर में अभी पोस्टेड हैं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। लेकिन जब भी मेरी माँ बोलती है कि ख्याल रखा कर, लेकिन तो डॉक्टर है, तुझे पेशेंट्स की सेवा करनी है, तो वो एक चीज़ है। बाकी हम लोग सब एज ए रेजिडेंट हम लोग एक फैमिली की तरह ही यहाँ पे लगे हुए हैं कोरोना के खिलाफ। चार महीने लास्ट हो गए हैं मुझे घर पे मेरी माँ से मिले हुए, मेरे पेरेंट्स से मिले हुए। उनका फ़ोन आ जाता है, कई बार उठा नहीं पाता हूँ, तो घर की याद तो रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करनी ही है। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो जैसे कि फिलहाल मैं कोरोना कोविड पॉजिटिव पेशेंट एरिया में मैं अभी पोस्टेड हूँ। हमारे कुछ रेजिडेंट्स उसमें पॉजिटिव हुए थे, उनको देख रहा हूँ, तो वो एक इमोशनल टच आता है कि हम अपने जो यानी कि जो हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और हम खुद भी अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि अगर हम खुद इन्फेक्ट हो गए तो फिर और जो लोग हैं उनको कौन बचाएगा। तो हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि हमें पेशेंट को तो ठीक करना ही करना है, प्लस अपने आप को बचाना है। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो एक इमोशनल टच भी आता है, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं, और मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ है, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर ही इज़ ऑलरेडी अ डायबिटिक पेशेंट और CAD बाईपास हो रखा है, तो पापा का भी मुझे चिंता होता है, बार बार उनके कॉल्स आते हैं। लेकिन जब मैं कोरोना वार्ड में पोस्टेड होता हूँ, उस समय PPE के अंदर होता हूँ, तो मैं फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठा पाता, क्योंकि चार चार पाँच पाँच घंटे हमें उस सूट में होना पड़ता है, PPE सूट में होना पड़ता है, तो कभी कभी वो घबरा भी जाते हैं।
तो फिर उनसे बात करना होता है, मम्मी का भी ख्याल होता है। वाइफ अभी यहीं पे है लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पाता हूँ ड्यूटी के बाद, क्योंकि मैं एक इन्फेक्टेड एरिया से जाता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं उसको क्यों अपना इन्फेक्शन दूँ। तो हमारे लिए जो अलग से इंतज़ाम किया गया है एम्स प्रशासन की तरफ से विश्राम सदन में, मैं वहाँ पर रहता हूँ या फिर अपने जो पेशेंट साथ के जो काम करते हैं उनके साथ ही रहते हैं। जैसे कि फिलहाल